हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुजवान फ्राइड राइस बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं भगोने में पानी ली हूँ, पानी बॉयल हो रहा है, उसमें मैं 1 टीस्पून तेल डाली हूँ, वेजिटेबल ऑयल डाली हूँ और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाली हूँ और हाफ नींबू का जूस डाली हूँ। अब मैं चावल बनाऊँगी। इसमें मैं बासमती चावल ली हूँ, अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ बासमती चावल को और आधे घंटे तक रखी थी धोकर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं चावल को 80% कुक करूंगी, ज़्यादा से मैं बिल्कुल कुक नहीं करूंगी। देखिए मेरा चावल 80% कुक हो गया है। अब मैं इसे छान लूंगी एक छन्नी की मदद से। अब ये चावल मेरा छन गया है। अब मैं इसे प्लेट में डाल के ठंडा करूंगी। देखिए काफी खिला खिला चावल बना है और काफी सफेद बना है, क्योंकि मैं नींबू के रस डाली थी इसीलिए ये सफेद बना है चावल, और बहुत खिला हुआ बनता है तेल और नींबू डालने से। मैं इसे फैला दे रही हूँ प्लेट पे ताकि ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं सब्जी ली हूँ, मैं गाजर ली हूँ, शिमला मिर्च ली हूँ, बीन्स ली हूँ, पत्ता गोभी ली हूँ, हरा प्याज ली हूँ, प्याज छोटी काट के ली हूँ, लहसुन छोटी काट के ली हूँ। अब मैं पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं छोटा कटा हुआ गार्लिक डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है गार्लिक। और एक प्याज काट डाल रही हूँ। प्याज हल्का गुलाबी हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले बीन्स डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। फिर मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पत्ता गोभी डाल रही हूँ। सब सब्जी को इक्वल शेप में काट लें। सब मैं चौकोर में काटी हूँ सब सब्जी को। इसे मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ।
अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। देखिए चावल कितना खिला खिला बना है। अब मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसमें सुजवान फ्राइड राइस मसाला डालूंगी। आप चाहे तो चटनी भी डाल सकते हैं, सुजवान चटनी। मैं सुजवान पाउडर डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैं विनेगर डाल रही हूँ। टू टी स्पून मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें हरे प्याज डाल रही हूँ, स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन्स डाल रही हूँ मैं। ये बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल ली हूँ। थैंक यू।